आईपीओ का काउंसलिंग प्रोसेस समझने वाले हैं छोटी सी वीडियो में। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि आपने कर लिया होगा, नहीं करा है तो आप अभी कर सकते हो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन होता है। जब आप दोनों चीजें कर लेते हो, उसके बाद यहाँ पर आपकी च्वाइस फिलिंग होती है। च्वाइस फिलिंग में आप वो कॉलेज डालते हो जिसमें आपको एडमिशन चाहिए। आपको जो कॉलेज पहले चाहिए वो आप पहले नंबर पर डालते हो, उसके बाद जो चाहिए वो दूसरे नंबर पर डालते हो, और ऐसे ही आप यहाँ पे प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करते हो। इसके बाद यहाँ पर च्वाइस फिलिंग होने के बाद आपका पहले राउंड का रिजल्ट निकलता है। बट पहले राउंड के रिजल्ट निकलते ही अगर आपकी च्वाइस फिलिंग में से कोई भी कॉलेज आपको मिल जाता है, तो आपको एक सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी पड़ती है, जो कि इस बार 96,000 हो चुकी है, 96,000 रुपीज हो चुकी है। तो ये आपको पे करनी होगी अगर आपको आगे राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। लेकिन अगर आपकी कोई भी च्वाइस फिलिंग भरी हुई सीट नहीं निकलती है, तो आप लोगों को यहाँ पर दोबारा से च्वाइस फिलिंग करनी पड़ती है सेकेंड राउंड के लिए, और इसमें आपका एक रुपया भी नहीं लगता है, आपको एक रुपया भी नहीं देना होता है, ये चीज होती है। इसके बाद अगर सेकेंड राउंड में आपको कोई कॉलेज मिल जाता है, तो आपको पैसे भरने होते हैं अगले राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आपको कॉलेज पसंद आ जाता है, तो आपके पास फ्रीज करने का ऑप्शन आता है। अगर आप चाहते हो मुझे अगले राउंड में जाना है और बेटर कॉलेज मुझे देखना है कौन सा मिल सकता है मेरी च्वाइस फिलिंग के अकॉर्डिंग, तो आप फ्लोट का ऑप्शन वहां पे आपको दिखता है, वो आप क्लिक कर सकते हो, ताकि अगले राउंड में आप जा पाओगे। तो यहां तक ऐसा प्रोसेस चलता है आपका। उसके बाद एक स्पोर्ट राउंड होता है, उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन होगा। स्पोर्ट राउंड से पहले तीन राउंड आपको देखने को मिल जाते हैं आईपीयू की बीटेक काउंसलिंग में। स्पोर्ट राउंड जब आपका होता है, उसका जनरली 500 रजिस्ट्रेशन का चार्जेस होते हैं, जो 2 साल से लग रहे हैं, और उसमें आपको भरना होता है च्वाइस फिलिंग दोबारा से सब कुछ तरीके से। स्पोर्ट राउंड में हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसको कॉलेज मिल गया है वो भी, जिसको नहीं मिला है वो भी। अगर आप चाहते हो डिटेल में मैं वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए मैं बना दूंगा डिटेल में वीडियो। तो स्पोर्ट राउंड में आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, उसमें भी जो सीट बच जाती है नॉर्मल काउंसलिंग के राउंड में, वो सारी की सारी सीट्स दोबारा से यहाँ पर होती है स्पोर्ट राउंड में। और स्पोर्ट राउंड में आप च्वाइस फिलिंग करते हो, उसके अकॉर्डिंग सारा की सारा प्रोसेस सेम होता है। बट इस बार स्पोर्ट राउंड एक होगा, दो होगा, ये सारा सीट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर दो स्पोर्ट राउंड होंगे आपके, तो बाकी जो काउंसलिंग का प्रोसेस है बिल्कुल वैसा चलता है कि अगर आपको पहले स्पोर्ट राउंड में सीट मिल जाती है, तो आपको पैसे भरने पड़ते हैं सेकेंड स्पोर्ट राउंड में बैठने के लिए। तो ये सारा प्रोसेस होता है आप लोगों का। ऐसे आपका आईपीयू का बीटेक काउंसलिंग प्रोसेस पूरा चलता है, जिससे आपको एडमिशन मिल जाता है। जब आप अपनी सीट को फ्रीज कर देते हो, उसके बाद आपको वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड करे थे, उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है आई कार्ड पे, आप जाके देख सकते हो, वो डॉक्यूमेंट्स लेके आपको कॉलेज में जाना पड़ता है गिवन सेमिनार हॉल या रूम में, जो उनकी वेबसाइट पे दिया हुआ होता है, जो मैं हर साल बनाता हूँ जब भी वो रिपोर्टिंग का टाइम आता है। तो ये सारा प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, यूजर नेम आपको शो हो रहा होगा वहां पे। डेली मैं डाउट सॉल्व कर रहा हूँ। काउंसलिंग सपोर्ट अगर आपको लेना है, वहां पे मुझसे आप पूछ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म दिख रहा होगा काउंसलिंग सपोर्ट का, वो भी भर के काउंसलिंग सपोर्ट आप ले सकते हो। बाकी आईपीयू के एडमिशन से रिलेटेड जो भी बीटेक की एडमिशन से रिलेटेड क्वेरी है, एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, वो आप जाके देख सकते हो, उसमें सारी आपकी क्वेरी क्लियर हो जाएंगी। मैनेजमेंट कोटा से रिलेटेड भी वीडियोस हैं, वो भी आपकी जाके देख सकते हो, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।